वाड़ी वर्धामना के ट्रांसपोर्टर्स ने एमआरडीसी विभाग के ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक संजय जाधव से मुलाकात की। वाड़ी एमआरडीसी यातायात पुलिस विभाग द्वारा वाड़ी हिंडा मार्ग से भीड़ के कालावधि में शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी ट्रक व अन्य वाहनों को सीमा से बाहर रोककर या दूसरे मार्ग से परावर्तित करने का नियोजन प्रारंभ करने से वाड़ी वर्धामना के ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी के चलते एमआरडीसी के नवनियुक्त पुलिस निरीक्षक संजय जाधव से मुलाकात लेकर अपनी परेशानी जाहिर की। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वाड़ी वर्धामना ट्रांसपोर्ट हब है, बड़ी बड़ी गोडाउन है, बाहर से आने वाले ट्रक व कंटेनर माल खाली करने हेतु वाड़ी में आते हैं। 8 घंटे में नो एंट्री से माल खाली करने में देरी होगी, इस वजह से ट्रांसपोर्टर्स व्यवस्था में भारी नुकसान होगा और पहले से ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में मंदी के कारण सभी ट्रक चालक मालक परेशानी में है। इस व्यवसाय में बहुत गरीब हमाल भी शामिल है, 8 घंटे नो एंट्री रहेगा तो वो माल खाली कब करेंगे। इस वजह से सभी ट्रांसपोर्ट भाई मिलकर पुलिस निरीक्षक जाधव से चर्चा की और ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि नो एंट्री महानगर पालिका क्षेत्र में करें, नगर परिषद व ग्राम पंचायत के क्षेत्र को छूट दी जाए। 2 घंटे चली इस चर्चा सत्र में पुलिस निरीक्षक संजय जाधव ने कहा कि किसी को भी तकलीफ या परेशानी करने के उद्देश्य से नो एंट्री नहीं लगाया गया है, ट्रकों के कारण दुर्घटना हो रही है, इस वजह से पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय के दिशा निर्देशानुसार व एक पादचारी सब पर भारी नीति के तहत नो एंट्री की कार्यवाही करने की जानकारी जाधव ने दी। इस कार्यवाही में कुछ बदलाव करने के अधिकार मेरे पास नहीं है, बड़े अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही मैं इस बारे में आज से चर्चा करूंगा। इस चर्चा में वाड़ी के लोकल ट्रक यूनियन भाईचारा राष्ट्रवादी शिवहातुक सेना भाजपा के पदाधिकारी संयुक्त रूप से उपस्थित थे। इनमें मान सिंह, नरेंद्र मिश्रा, एम के शर्मा, सुशील शर्मा, सुनील पांडे, अनासनी, शरद थोराने, सुनील सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। यातायात पुलिस विभाग MRDC हिगना में सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों के संबंध में साहब से मीटिंग यहां पे निष्कर्ष निकाला गया कि जो ये हमारे नोंट्री वाड़ी के अंदर में लग रही है उस नोंट्री के लिए हम लोगों ने एक गुंडखेरी नाका को साहब से अनुरोध किया और दूसरा हमने जो कलमेश्वर रोड पे जाता है लावा रोड उसमें अगर नाकाबंदी कर दी जाएगी और एक अपना धाबा रोड पे तो वाड़ी की पूरी सी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी और जितने बड़े वाहन आते हैं जिससे कलकत्ता जबलपुर अदर का माल होता है तो गाड़ी उधर से उधर निकल जाएंगी, जो गाड़ियों का माल वाड़ी के अंदर में है वो वाड़ी के अंदर में आएगी जिसमें किसी पब्लिक को भी नुकसान नहीं होगा और हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों का भी नुकसान नहीं होगा, दिन रात अपना कारोबार करेंगे और हमारे लाखों लोगों का भी रोजगार नहीं छीना जाएगा, उनके रोजगार मिलेंगे, सब हमारे लेबर हमारे जिंदा रहेंगे और हम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं आज यातायात पुलिस विभाग का और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारा उन्होंने सहयोग दिया, हमने उनको लेटर के माध्यम से सारी चीज़ अवगत भी कराए। माननीय पुलिस आयुक्त सरांचं पदचारी यांना फुटपाथवरून निर्भयतेने वावरण्याकरता आणि त्यांचा सन्मान होण्याकरता अभियान चालू आहे, त्या अंतर्गत वाडी परिसर हे हेवी ट्रॉफिक हब आहे, वाडी परिसर ह्यामध्ये भारतातून विविध भागातून गोडाऊन असल्या कारणाने हेवी व्हेकल येत असतात, तर त्या संदर्भाने आज रोजी आम्ही सर्व व्हेकल असोसिएशन तसेच गोडाऊन यांचा आज मीटिंग घेतली, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या, त्यांच्या समस्याविषयी विस्तृत चर्चा केली आणि त्यानंतर त्यातून एक मार्ग काढलेला आहे की जेणेकरून कोणालाही त्याविषयी आपत्ती होणार नाही, त्याप्रमाणे आजपासून आम्ही गोंडखेरी इथे स्टॉपिंग पॉइंट हेवी व्हेकल स्टॉपिंग पॉइंट तसेच लावा गाव इथे हेवी व्हेकल स्टॉपिंग पॉइंट आणि दाबाटी पॉइंट इथे हेवी व्हेकलचा स्टॉपिंग पॉइंट ठेवलेला आहे, जेणेकरून सकाळी 6:30 ते 12 व संध्याकाळी 4 ते 9 या वेळामध्ये कुठलेही हेवी व्हेकल नागपूर शहरामध्ये दाखल होणार नाही, जेणेकरून अपघातमुक्त नागपूर हे करण्याचं जे आम्ही उद्दिष्ट ठरवलेलं आहे त्यामध्ये भर होईल, त्यामध्ये योग्य त्या दिशेने पुढे प्रवास करता येईल, तसेच खडगाव रोडला होणारे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गोडाऊन मालकांना नोटीस इश्यू करण्यात आलेले आहेत, त्यामध्ये त्यांनी आपले व्हेकल हे आपल्या गोडाऊनच्या समोर रस्त्यावर पार्किंग न करता किंवा रस्त्यावर मालचं नेणं आणणं न करता किंवा माल उतरवण्यासाठी रस्त्याचा वापर न करता आपल्या योग्य बाजूस ट्रक घेऊन तिथे त्यांनी आपला माल उतरवावा किंवा भरावा यासाठी त्यांचं समुपदेशन करण्यात आलेलं आहे, त्याप्रमाणे सर्व
वाड़ी वासियानी ट्रांसपोर्ट हब मधील सर्व गोडाउन आणि ट्रांसपोर्ट असोसिएशननी मान्यता दिलेली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानत आहोत आणि पुढेही त्यांनी असंच सहकार्य करावं आणि एक चांगला परिसर अपघात मुक्त असावा अशी मी अपेक्षा करून त्याप्रमाणे योग्य दिशेने आम्ही काम करत आहोत आणि याबद्दल सर्व असोसिएशनचे मी आभारी मानत आहोत. इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट.